वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉली एम्ब्रियोनी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है, अगर आपको आज की आज समझ में आ गया, अगर आपने अभी से ध्यान से सुनना स्टार्ट किया और आपको एक बार में समझ में आ गया तो आपको कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन क्रिएट होने दिया, इसमें रिविजन नहीं किया या फिर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ, तो ये आप जितनी पढ़ो कि आपको सारी चीजें सेम टू सेम लगेगी, आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो जब मैं आपको पढ़ाने लगूंगी तो आप चीजों को मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसे आपको कंपेयर करके बताऊं, लेकिन आप भी कोशिश करेंगे कि चीजों को एक में मिलाना नहीं है, खिचड़ी बिल्कुल नहीं बनाना है, सब खाने जो है, सब जो टाइप्स हैं उसको अलग अलग रख के थाली में सजाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। तो देखिए, नाम से क्या समझ में आ रहा है, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स होता है डिफरेंट। पॉली का मतलब क्या होता है? मतलब पॉली का मतलब होता है मेनी, जैसे हम लोग लिखते थे मोनोकॉट, डाइकॉट या फिर पॉली एम्ब्रियोनी जैसे है। तो पॉली का मतलब क्या है? डिफरेंट हो गया, अरे मतलब कि मल्टीपल हो गया। और एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है? एम्ब्रियो। पॉली एम्ब्रियोनी या पॉली एम्ब्रियो या मेनी एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है मेनी एम्ब्रियो। अब इसका क्या मतलब है? अब आपको वो कंडीशन पढ़नी है कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही ओव्यूल के अंदर, इनसाइड अ ओव्यूल, मोर देन वन एम्ब्रियो विल फॉर्म्ड। अभी तक हमने ये देखा था कि हमारे पास, मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे समझाती हूँ, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो सिनगैमी हुई थी, हमारे पास जो सिनगैमी हुई थी, जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था, उसके बाद जो सिनगैमी के बाद हमारे पास जो जाइगोट बना था, आफ्टर द सिनगैमी हमारे पास जो जाइगोट बना था वो एक ओवरी, मतलब एक ओव्यूल के अंदर एक ही था। मतलब कि हमारे पास इस तरीके से, मान लीजिए ओवरी है, ओवरी के अंदर इस तरीके से प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा पे फ्यूनिकल लगा है, फ्यूनिकल के ऊपर क्या लगे हैं? ओव्यूल लगे हैं। ठीक है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स है जो कि डिफरेंशिएट होती है और ये क्या बनाती है? एम्ब्रियो सैक बनाती थी। और एम्ब्रियो सैक में जो सेल थी, एग सेल्स थी, वो एक ही थी। और ये एक ही सेल आगे चल के एक जाइगोट बनाती थी और ये एक जाइगोट आगे चल के एक एम्ब्रियो बनाता था। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। लेकिन अब कुछ ऐसी एबनॉर्मिलिटीज होंगी, कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे, कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिसके फलस्वरूप, जिसके रिजल्ट के फॉर्म में आपको एक से ज्यादा एम्ब्रियो एक ओव्यूल के अंदर देखने को मिलेंगे। एक से ज्यादा एम्ब्रियो एक ओव्यूल के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके लिए अलग अलग कंडीशन हो सकती है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि जिसके फलस्वरूप ये रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे हम ह्यूमंस की अगर बात करें, समझने के लिए ह्यूमंस की अगर बात करें, तो ह्यूमंस में क्या है कि एक मेल स्पर्म्स रहता है, एक मेल स्पर्म है, मान लो ये मेल स्पर्म है, और क्या है, एक फीमेल एग है। बाई रूल तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी से एक ही एग का फॉर्मेशन होता है। और इनके फ्यूजन से क्या होता है? इनके फ्यूजन से एक ही जाइगोट बनते हैं। इनके फ्यूजन से क्या बनता है? एक जाइगोट बनता है, जिसके फलस्वरूप एक बेबी बनना चाहिए, जिसके फलस्वरूप क्या होना चाहिए? एक जो है वो बेबी का फॉर्मेशन होना चाहिए, उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी आपने सुना है, कभी कभी क्या, ट्विंस तो बहुत कॉमन चीज है। ट्विंस क्या है? बहुत कॉमन चीजें हैं। कभी कभी क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, कभी कभी नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस का कंडीशन क्या है कि जब ये स्पर्म और एग मिलता है तो जो जाइगोट बनता है, जो हमारे पास जाइगोट बना, इसी जाइगोट में डिवीजन हो गया, इसी जाइगोट में डिवीजन हो गया, और ये वाला जो हिस्सा था ये अलग बेबी बना लिया, ये वाला हिस्सा जो है वो अलग बेबी बना लिया। तो देखिए, मेल से जो गैमेट्स आया, फीमेल से जो एग आई, वो दोनों मिली, ठीक है, जाइगोट बना,
और इस जायगोट ने डिवीजन किया, दो सेल बनी, अब ये दोनों सेल अलग हो गई और दोनों ने कंप्लीट मैच्योर बेबी का फॉर्मेशन किया। इसका मतलब कि इसका डीएनए और इसका डीएनए 100% सेम होगा। इसका डीएनए और इसका डीएनए कितना होगा? 100% सेम होना चाहिए, क्योंकि ये सेम जायगोट से बने हैं। तो ऐसे जो ट्विंस होते हैं इनको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। और वहीं पे कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि फीमेल की ओवरी में एक से ज़्यादा एग सेल्स बन गए, तो अब क्या होगा कि मेल स्पर्म्स तो बहुत सारे आते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन में तो क्या होता है कि मेल्स में जो स्पर्म्स होते हैं वो मिलियन के नंबर में होते हैं। तो एक मान लो कि एक स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज कर दिया, दूसरे स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज कर दिया, जिसके फलस्वरूप हमारे पास दो जायगोट बनेंगे और इन दो जायगोट के रिजल्ट के फॉर्म में हमारे पास दो बेबी बनेंगे। अगर कभी कभी तीन होता है तो हो सकता है अगर वो आइडेंटिकल हो तो इस तरीके से तीन बार डिवीजन हो गया हो। अगर वो नॉन आइडेंटिकल है तो हो सकता है कि तीन एग सेल्स बन चुके हों। ऐसी कंडीशन ह्यूमंस में भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत एबनॉर्मल कंडीशन है, लेकिन ऐसी कंडीशन भी एग्जिस्ट करती हैं। उसी तरीके से पॉली एम्ब्रियोनी भी एक एबनॉर्मलिटी है। नेचुरल कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ एबनॉर्मलिटी सब जगह होती है। हर कोई भी फिजियोलॉजी होती है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो कभी कभी उसमें म्यूटेशन, कभी कभी उसमें चेंजेस हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ और रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसे हमारे में ट्विंस बनते हैं, एक ही फीमेल की एक ही बॉडी के अंदर एक साथ ही बनते हैं, उसी तरीके से प्लांट के केस में एक साथ एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनना इनसाइड अ सिंगल ओव्यूल, इसे हम लोग कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, बात समझ में आ गई। थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग तुरंत स्विच करेंगे कैसे पॉली एम्ब्रियोनी के कौन कौन से तरीके हैं पॉली एम्ब्रियोनी बनने के। सबसे पहले देखिए, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड द सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड द सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड द सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी, इनसाइड द ओव्यूल भी कह सकते हैं, कॉल्ड द पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट में क्या दिया है, पॉली एम्ब्रियोनी वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक कौन थे? जिसे हम लोग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा था, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोब्स के बारे में बताया था, जिन्होंने सबसे पहले आरबीसी देखा था, उन्होंने ही सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन के बारे में भी बताया था। कब बताया था? 1790 में बताया था। और कौन से प्लांट में देखा था? सिट्रस प्लांट में देखा था, मतलब जो नींबू की फैमिली है वहां पे देखा था। नेक्स्ट में क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी फिनोमिना इज मोर कॉमन इन जिम्नोस्पर्म्स। ज्यादा ये जो फिनोमिना है पॉली एम्ब्रियोनी का, ये जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में भी कभी कभी ये फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा, मेनली सिट्रस वगैरह में आपको ये देखने को मिलेगा। इन पॉली एम्ब्रियोनी प्रोसेस द एम्ब्रियो मे बी डिप्लॉइड्स और हैप्लॉइड्स इन नेचर। जो पॉली एम्ब्रियोनी होती है उसमें जो एम्ब्रियो बनता है वो कभी मोस्टली डिप्लॉइड होता है, बट कभी कभी इन केस ये क्या है, हैप्लॉइड नेचर का भी हो सकता है। देखिए, अगर जो है मान लीजिए कि कोई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो वो हैप्लॉइड नेचर का रहेगा, अगर कोई डिप्लॉइड स्ट्रक्चर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो वो डिप्लॉइड नेचर होगा। तो दोनों कंडीशन आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ये बात समझ में कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का प्रेजेंस होना किसी ओव्यूल के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। ये खोजा किसने था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक में, लीवेनहॉक ने 1719 में देखा था, और इसे जो है कि जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू एंजियोस्पर्म्स, और ये डिप्लॉइड्स और हैप्लॉइड दोनों नेचर के हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी दो तरीके की होती हैं। एक को कहा जाता है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, दूसरे को कहा जाता है फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। ट्रू और फॉल्स, अब ट्रू और फॉल्स में क्या होता है, किसको ट्रू कहते हैं, कौन सी कंडीशन को फॉल्स कहते हैं, वो भी देख लेते हैं। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, जब एक सिंगल एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं तो उसे कहते हैं ट्रू कंडीशन। मतलब कि क्या, सॉरी, मतलब कि क्या कि हमारे पास इस तरीके से
हमारे पास इस तरीके से किम्ब्रियो सैक है, जहाँ पे यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिनर्जिड एग सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। अब क्या है कि जब एक सिंगल इम्ब्रियो के अंदर, एक सिंगल इम्ब्रियो सैक के अंदर, यहाँ पे मान लो कि ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये भी इम्ब्रियो बना ले, ये जो एग सेल्स है ये भी इम्ब्रियो बना ले, ये जो न्यूसेलस की सेल यहाँ प्रेजेंट है वो भी मिस हो सक, न्यूसेलस नहीं, ये जो मान लो एंटीपोडल सेल्स है, सिनर्जिड सेल्स है, ये सारे भी अगर इम्ब्रियो बनाते हैं तो ऐसे इम्ब्रियो फॉर्मेशन को कहते हैं ट्रू पॉलीएम्ब्रियनी। मतलब इम्ब्रियो सैक एक ही होना चाहिए, उसके अंदर एक से ज्यादा इम्ब्रियो बनेंगे तो ट्रू पॉलीएम्ब्रियनी कहलाएगी। फॉल्स पॉलीएम्ब्रियनी में क्या होता है कि व्हेन मोर देन वन इम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन अ ओव्यूल एंड मेनी इम्ब्रियो आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इम्ब्रियो सैक। इसमें ये कहा गया है कि जब आपका ये, मान लो कि आपका ये ओव्यूल है, मान लो कि ये आपका क्या है, ओव्यूल है, इस ओव्यूल में एक मेगास्पोर मदर सेल्स ने यहाँ इम्ब्रियो सैक बना दिया, दूसरे ने यहाँ बना दिया, तीसरे ने यहाँ बना दिया, चौथे ने यहाँ बना दिया। क्यों? क्योंकि मेगा जो आपके पास ओव्यूल है, ओव्यूल में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जो सराउंडिंग में सेल्स प्रेजेंट होती है इसे कहते हैं न्यूसेलस। ये जो सेल्स है इसे कहेंगे न्यूसेलस, और ये जो न्यूसेलस की सेल्स है इसी में से तो कोई एक सेल्स मॉडिफाइड होकर मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह बिहेव करती है, जो कि आगे चल के क्या बनाती है, एम्ब्रियो सैक बनाती है। तो एक ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक बन सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा एक इम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर बनता है, और इसके अंदर हर में क्या है, एक एक इम्ब्रियो बनता है, तो इसको कहते हैं फॉल्स पॉली इम्ब्रियोनी। क्योंकि पॉली इम्ब्रियोनी के कंडीशन में क्या होना चाहिए, एक इम्ब्रियो सैक के अंदर एक से ज़्यादा पॉली, जो एक से ज़्यादा इम्ब्रियो प्रेजेंट होना चाहिए। एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे इम्ब्रियो सैक हैं और हर इम्ब्रियो सैक में एक एक जो प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कहेंगे फॉल्स पॉली इम्ब्रियोनी। अगर इसे हम लोग ह्यूमन से कंपेयर करें तो मान लो कि अगर जो है कि एक हमारे पास यूटरस है, उस ही यूटरस में क्या है, एक से ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, ये है ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। लेकिन अगर इमेजिन करो, सपोज करो कि अगर कोई फीमेल है, उसकी बॉडी में क्या है, दो यूटरस प्रेजेंट है, ऐसे कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलता है, अगर मान लो कि उसके पास दो यूटरस प्रेजेंट है, तो दो यूटरस में अगर दो दो एक एक बच्चे, एक एक यूटरस नंबर वन में एक बच्चा डेवलप हो रहा है, दूसरा जो है यूटरस नंबर टू में डेवलप हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहेंगे फॉल्स पॉलीएम्ब्रियनी। क्योंकि यहाँ पे फीमेल की बॉडी सेम है लेकिन उनका जो डेवलपमेंट का जो एरिया है वो सेम नहीं, वो आपस में सेपरेटेड है। उसी तरीके से यहाँ पे ओव्यूल सेम है लेकिन एम्ब्रियो सैक अलग अलग, और एक इम्ब्रियो सैक में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है कि इम्ब्रियो प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। समझ में आ गया कि क्या है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, क्या है फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर ये पॉली एम्ब्रियोनी होते कैसे हैं, बनता कैसे है पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन। जैसे कि हमने देखा कि आखिर ये ट्विन्स बनते कैसे हैं, एक जायगोट के डिवीजन से बनते हैं या अलग अलग जो है एक्सेल्स ही बनी रहती हैं, तो उसी तरीके से क्वेश्चन अराइज होता है कि पॉली एम्ब्रियोनी कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट इसका जो तरीका है वो है क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो। जैसे ही जायगोट में डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, उसी समय अगर वो दो अलग पार्ट्स में, तीन अलग पार्ट्स में, चार अलग पार्ट्स में सेपरेट हो जाती हैं और हर पार्ट एक नया एम्ब्रियो बनाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो। तो इसके फलस्वरूप आपको पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर जो है एम्ब्रियो में क्लीवेज होता है जिसकी वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं, तो आपको पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन देखने को मिलेगी। दिया है हियर जाइगोट और प्रो एम्ब्रियो डिवाइड इनटू मेनी पोर्शन एंड यूनिट एंड देन ईच पोर्शन डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। दिया है कि हमारे पास जो जाइगोट बनता है, इसे जाइगोट जो हमारे पास बना है, हमारे पास ये जाइगोट है, मान लीजिए इसमें डिवीजन हुआ, दो सेल्स बने, तो अगर एक सेल्स अलग हो गया, दूसरा सेल्स अलग हो गया, इस जाइगोट ने इम्ब्रियो बनाया, आगे चल के इसने भी जाके इम्ब्रियो बनाया, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं क्लीवेज के फलस्वरूप इम्ब्रियो बनना, जैसे कि हमने आइडेंटिकल ट्विंस की कंडीशन में देखा था। नेक्स्ट में क्या है, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी एंड फाउंड इन मेनी फैमिली ऑफ ऑर्चिडिएसी। ऑर्चिडिएसी जो एक फ्लावरिंग प्लांट, मेनली जो है डेकोरेटरी प्लांट का जो फैमिली है, यहाँ पे आपको मेनली ऐसी तरीके की पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलेगी, और ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का पॉली एम्ब्रियोनी फाउंडेशन है। नेक्स्ट क्या तरीका हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ मेनी इम्ब्रियो फ्रॉम अदर सेल ऑफ द इम्ब्रियो सैक एक्सेप्ट एक्सल्स। हो सकता है क्या कि हमारे पास इस तरीके से इम्ब्रियो सैक प्रेजेंट हो,
हमारे पास इस तरीके से एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट हो। अब इस एम्ब्रियो सैक में हमारे पास सेकेंडरी न्यूक्लियस भी है, हमारे पास एग सेल्स भी है, हमारे पास सिनर्जिड भी है, हमारे पास एंटीपोडल सेल्स भी है, सारे प्रकार की सेल्स हैं। हमने पढ़ा था कि जाइगोट जो है वो हमेशा एग सेल से बनता है, लेकिन क्या हो अगर कि हमारे पास जो मेल गैमेट्स आए वो एग को भी फर्टिलाइज कर दे और एंटीपोडल सेल्स को भी फर्टिलाइज कर दे। तो जेनेटिक मेटल तो दोनों हैप्लॉइड ही हैं, मतलब चाहे एंटीपोडल सेल्स हो, चाहे एग सेल्स हो, चाहे जो है कि सिनर्जिड सेल्स हो, ये सारी की सारी सेल्स क्या हैं, हैप्लॉइड नेचर की हैं। और हैप्लॉइड नेचर की हैं तो मेल गैमेट जब आएगा तो ये फ्यूजन करके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना सकती हैं और कहीं ना कहीं जेनेटिकली जो है वो एग सेल, सिनर्जिड सेल्स और एंटीपोडल सेल एक दूसरे के सिमिलर हैं, क्योंकि एक ही प्रोसेस मियोसिस के ये रिजल्ट है। बात समझ में आ रही है? हमारे पास एक ही मदर, मेगा मदर सेल्स जो थी उसी में तो डिवीजन हुआ, तो हमारे पास चार सेल्स बने जिसमें से तीन डीजेनरेट हो गई और एक ने आगे चल के ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया था। तो कहीं ना कहीं इन सब की जो माँ है, इन सब की जो मदर सेल्स हैं वो सेम थी, तो इसका मतलब इनके सारे के पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी सेम होगा। तो ये सेल्स भी एम्ब्रियो की तरह एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो पहली कंडीशन क्या हुई कि एक ही जायगोट था, उसने डिवीजन करके बहुत सारी एम्ब्रियो बनाई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि हमारे पास जो अदर सेल्स थी एग सेल्स के बाद, एग सेल्स के बाद जो अदर सेल्स प्रेजेंट थी, ये सेल आगे चल के क्या बना सकती हैं, एग सेल्स के बाद जो अदर सेल्स थी ये सेल डिवाइड करके बना सकती हैं क्या, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकती है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ मेनी एम्ब्रियो। क्या मेनी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा? फ्रॉम अदर सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अदर सेल्स के, कौन से सेल्स के अदर, एक्सेप्ट एग सेल्स, एग सेल्स के अलावा अदर किसी सेल से अगर एम्ब्रियो बनता है तो वहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन देखने को मिलेगी। बात समझ में आ गई? क्रिस्टल क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन सेम ओव्यूल। फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन सेम ओव्यूल। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक का बनना किसी एक ओव्यूल में, जिसके फलस्वरूप पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन बनती है, उस कंडीशन को, मतलब कि ये बात कर रहा है किसके बारे में, फाल्स पॉली एम्ब्रियोनिक के बारे में। जो चीज़ हमने फाल्स पॉली एम्ब्रियोनिक में समझी थी वो ये इसका तरीका था। कहीं ना मतलब कि एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो सैक बनेंगे और हर एम्ब्रियो सैक में एक एक जो है कि एम्ब्रियो बनेगा, जिससे हम लोग कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। तो ये तो मैंने आपको पहले ही इलेबोरेट कर दिया था। यहाँ पे दिया है इन सिट्रस और कैसिनो थ्री देयर आर मोर देन वन एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन द सेम ओव्यूल। यहाँ पे जो है एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होते हैं सेम ओव्यूल में। मैंने आपको यहाँ पे ये नहीं बताया कि व्हेन एम्ब्रियो सैक फॉर्म बाय द सिनर्जिड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स और एंडोस्पर्म सेल्स, मतलब कि एम्ब्रियो सैक के अलावा चाहे वो सिनर्जिड सेल से भी बन सकती है, एंटीपोडल सेल से भी बन सकती है और एंडोस्पर्म सेल से भी बन सकती है। एग्जाम्पल है कि एंटीपोडल सेल्स है पैसपैलम और यूलमस में और एजरिमॉन्स में और बेलनोस्पोरा में। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दिया कि कब सिनर्जिड से, किस प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी, कब एंडोस्पर्मिक सेल से पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट तरीका क्या है, मेनी एम्ब्रियोस फॉर्म फ्रॉम द स्ट्रक्चर आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक लाइक न्यूसिलस एंड इंट्यूगमेंट। अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास, ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, चारों प्रकार को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। ये ब्लैंक स्लाइड तो नहीं है, देखिए चारों टाइप्स को हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट टाइप पे हमने देखा था कि हमारे पास इस तरीके से एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स थी, यहाँ पे हमारे पास एग सेल्स था और यहाँ पे सिनर्जिड थे और यहाँ पे हमारे पास जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस था। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो जाइगोट था इसके में क्या हुआ, अरे यहाँ पे जो एग सेल्स थी, ये जो हमारे पास एग सेल्स है, एग सेल ने क्या किया, सिनगैमी किया, एग सेल में क्या हुआ, सिनगैमी हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या बना, जिसके फलस्वरूप फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का, जिसके फलस्वरूप फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का। इस जाइगोट में क्या हुआ, इस जाइगोट में हुआ क्लीवेज, इस जाइगोट में हुआ क्लीवेज, जिसका रिजल्ट निकला, इस जाइगोट में जो क्लीवेज हुआ इसका रिजल्ट निकला क्या, पॉलीएम्ब्रियोनिक। पहली कंडीशन ये थी।
दूसरी कंडीशन में हमने क्या देखा कि दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या था कि हमारे पास इम्ब्रियो सैक वही था, हमारे पास यहाँ पे एग सेल्स थी, यहाँ पे हमारे पास सिनर्जिड था, यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी न्यूक्लियस था और यहाँ पे हमारे पास एंटीपोडल सेल्स थे। कंडीशन हमारे पास सेम है। यहाँ पे क्या होगा कि जो एग सेल है ये तो जाइगोट, ये जो हमारे पास एग सेल है, हमारे पास जो एग सेल है ये तो आगे चल के जाइगोट बनाएगी ही और ये जाइगोट आगे चल के इम्ब्रियो बनाएगा ही, ये तो होगा ही होगा। लेकिन इसमें से किसी और सेल को भी अगर जाइगोट की तरह बिहेव करना हो, या फिर इसमें से कोई और सेल, मान लो ये वाली जो सेल्स एंटीपोडल सेल्स, इसने भी गैमेट्स के साथ फ्यूज कर लिया, मेल गैमेट के साथ फ्यूज कर लिया, तो ये भी क्या करेगी, ये भी जाके जाइगोट बनाएगी और ये जाइगोट आगे चल के, ये जाइगोट भी क्या करेगा, इम्ब्रियो बनाएगा। ये जाइगोट भी आगे चल के क्या बनाएगा, इम्ब्रियो बनाएगा, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे पॉली इम्ब्रियोनी देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा भी देख लिया आपने। तीसरी कंडीशन, इसको एक बार इरेज करके फिर तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में हमने देखा कि हमारे पास ये ओव्यूल है, अब हम इम्ब्रियो सैक नहीं बना रहे हैं, अब हम बना रहे हैं ओव्यूल। ये क्या है, ओव्यूल है। अभी तक हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इम्ब्रियो सैक का बना रहे थे, अब इस ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा इम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है इम्ब्रियो सैक, ये स्ट्रक्चर है इम्ब्रियो सैक। तो अगर ये इम्ब्रियो सैक है तो यहाँ पे भी एक्सेल्स होंगी, 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 बाकी की भी सारी सेल्स होंगी, बाकी सिनर्जिड भी होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी होगा, एंटीपोडल सेल्स भी होंगी, बाकी की कंडीशन होंगी, लेकिन हमको मतलब एक्सेल से है, मतलब कि ये वाली एक्सेल्स भी फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगी, ये वाली एक्सेल्स भी फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगी। अगर पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो सारी सारी क्या करेंगे, जाइगोट बनाने की कैपेसिटी रखते, क्योंकि सारी की सारी क्या है, एक्सेल्स है, और ये वाला भी जाइगोट बनाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पॉली इम्ब्रियोनी कंडीशन। तो ये भी एक तरीका है पॉली इम्ब्रियोनी बनने का। चौथे तरीके में क्या होता है कि अभी तक हमने तीन तरीके देखे, पहले में हमने क्या देखा, दूसरे में देखा, तीसरे में देखा। चौथा तरीका जो था, एक बार हम लोग देख लेते हैं चौथे तरीके में क्या ऑप्शन था। हाँ, चौथे तरीके में ये था कि हमारे पास इस तरीके से ओव्यूल है, हमने देखा कि हमारे पास इस तरीके से ओव्यूल है। ये क्या है, स्ट्रक्चर ओव्यूल का है। ओव्यूल में क्या है, ओव्यूल में बन चुका है एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल में बन चुका है एम्ब्रियो सैक, और इसमें सारे प्रकार के सेल्स भी प्रेजेंट है, सारे प्रकार की सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट रहती हैं। ये तो जाइगोट आगे चल के बनाएंगी ही, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो न्यूसेलस की सेल्स थी, यहाँ पे जो न्यूसेलस थी और जो हमारे पास ओव्यूल की जो इंटोगमेंट थी, कवरिंग जिसे कहते हैं, वो सेल्स भी, ये जो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस सेल में से अगर किसी सेल ने फ्यूजन किया और इम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया, तो ये तरीका भी तो पॉली इम्ब्रियोनी ही कहलाएगा, क्योंकि एक ही ओव्यूल के अंदर तो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ये कंडीशन भी पॉली इम्ब्रियोनी कहलाती है। तो ये आप लोग को ये जो रीजन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे न्यूसेलस। ये जो न्यूसेलस है या फिर जो इंट्यूगमेंट्स है, ये वाला रीजन जब कभी हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, इम्ब्रियो फॉर्मेशन में, या फिर इसमें कि कोई सेल्स इम्ब्रियो बनाती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कि जब ओव्यूल की न्यूसेलस, मतलब इम्ब्रियो सैक के बाहर की प्रेजेंट सेल, द आउटर सेल ऑफ इम्ब्रियो सैक और द इंट्यूगमेंट्स ऑफ द ओव्यूल्स फॉर्म द इम्ब्रियो, देन एज अ रिजल्ट पॉली इम्ब्रियोनिक कंडीशन विल फॉर्म्ड। चार तरीके हमने देखे, पहले में जाइगोट ने डिवीजन किया, दूसरे में हमने देखा कि एक से ज़्यादा इम्ब्रियो थे एक ओव्यूल के अंदर, तीसरे में हमने देखा कि एक सेल के अलावा किसी सेल ने जो है फर्टिलाइज, एक सेल के अलावा इम्ब्रियो सैक में जो एक सेल्स के अलावा किसी सेल ने जाइगोट का फॉर्मेशन करके इम्ब्रियो बनाया। चौथी कंडीशन में हमने देखा कि इम्ब्रियो सैक के बाहर की जो न्यूसेलस सेल्स थे या फिर जो हमारे पास इंट्यूगमेंट सेल्स थे, इसने जो है कि ओव्यूल का फॉर्मेशन किया। बात समझ में आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. कॉज ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, साइंटिस्टों ने पॉली एम्ब्रियोनी का कॉज क्या बताया. जैसे कि ह्यूमन में अगर ट्विंस वगैरह बनते हैं तो किसी आप अगर गूगल करेंगे तो इंडिया का कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो ट्विंस होते हैं. सो साइंटिफिकली जब स्टडी की गई तो कहा गया कि इनके जेनेटिक में कुछ ऐसे चेंजेस है जिसकी वजह से यहाँ पे ट्विंस का होना बहुत कॉमन है. तो उसी तरीके से क्या कॉज है पॉली एम्ब्रियोनी का, तो इसके बारे में कुछ साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, उसके हिसाब से कुछ बातें रखी है. वही है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कॉज ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इज नेक्रोहार्मोन्स थ्योरी. नेक्रोहार्मोन्स थ्योरी के हिसाब से क्या कहा गया था कि इन्होंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टिमुलस फॉर द पॉली एम्ब्रियोनी इज प्रोवाइड बाय द डिजेनरेटिंग सेल्स ऑफ न्यूसेलस. यहाँ पे न्यू सेल्स नहीं, न्यूसेलस होगा. मतलब आपके काम की बात यह है कि नेक्रोहार्मोन जो थ्योरी थी इसके हिसाब से जो डिजेनरेटिंग सेल्स है न्यूसेलस की, मतलब न्यूसेलस के सेल का एक बड़ी संख्या में जो डिजेनरेशन होगा ये चीज़ स्टिमुलेट करती है, इनिशिएट करती है या जो है कि उत्प्रेरित करती है किसको, पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन को. ऐसा नेक्रोहार्मोन थ्योरी के हिसाब से बताया गया है. नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में दिया गया है कि प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी. तो प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको एक ही प्लांट से अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो सीड भी बनेगा. सेम जेनेटिक मेकअप के अलग बहुत ज़्यादा नंबर में सीड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इनसाइड अ सिंगल ओव्यूल. तो हॉर्टिकल्चर वगैरह में इसके बहुत ज़्यादा यूजेस किए जाते हैं. इन हॉर्टिकल्चर प्लांट जेनेटिकली यूनिफॉर्म पैरेंटल टाइप सीडलिंग आर ऑप्टेंस. क्योंकि आपको पता है कि जो ओव्यूल है या जो जाइगोट है वो अगर जाइगोट में क्लीवेज होता है तो सेम ट्विंस आपको मिलते हैं. तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म पैरेंटल आपको सीड का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि सारे सीड जो है सेम क्वालिटी के होंगे. तो ऐसा हॉर्टिकल्चर में क्या है कि आपको सेम टाइप के, सेम कलर के, सेम ग्रोथ शो करने वाले आपको ऐसे प्लांट चाहिए ताकि आप अच्छे से डेकोरेशन वगैरह कर सको, अच्छे से आप प्लांट को ग्रो कर सको, उनके जो उनकी जो नीड है उसको समझ सको. यूनिपैरेंटल कंडीशन के ये सारे फायदे होते हैं. तो हॉर्टिकल्चर में पॉली एम्ब्रियोनी को और अच्छे से स्टडी किया जा रहा है कि ताकि हम लोग इसे इनिशिएट करा सकें, आर्टिफिशियली हम पॉली एम्ब्रियोनी इनिशिएट कर सकें, हम पॉली एम्ब्रियोनी करवा सकें, ऐसी कंडीशनों पे भी काम किया जा रहा है. नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, न्यूक्लियर यहाँ पे दिया, दीज आर सुपीरियर ऑफ द दोज ऑब्टेन बाय कटिंग. जैसे कि सेम प्लांट को आप कटिंग से भी बना सकते थे. अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आए कि मान लो एक गुलाब का पेड़ है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये मदर प्लांट है, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि ये मदर प्लांट है, अब इसी प्लांट की हमने कटिंग काट काट के इसी प्लांट में हमने ग्राफ्टिंग कर करके बहुत सारे प्लांट बना लिए, तो ये प्लांट भी तो सेम जेनेटिक मेकअप के हैं, सेम पैरेंटल वाले हैं, यूनिफॉर्म पैरेंटल इनकी भी है, तो क्या जरूरत है पॉली एम्ब्रियोनी की. तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी चीज़ बाय सीड होता है या कोई चीज़ जब सीड से होती है तो वहाँ पे डिजीज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो डिजीज़ फ्री कंडीशन होती है. तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है, बिकॉज न्यूक्लियर एम्ब्रियो सीडलिंग आर डिजीज़ फ्री एंड मेंटेन दियर सुपेरिटी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. और इनकी में क्या है कि गैमेटिक फ्यूज़न तो हो रहा है, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ तो हो रहे हैं, एम्ब्रियो भी बन रहा है, इसका मतलब कि इनके पास जो है वो सुपेरियरिटी, जैसे कि इनब्रीडिंग जो डिप्रेशन वगैरह की बातें हैं या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डीमेरिट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी. यहाँ पे ये इनका फ़ायदा है किसका, पॉली एम्ब्रियोनी का. तो ये एक बहुत आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाली ब्रांच हो सकती है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर वगैरह में इसके काफ़ी बेनिफिट्स लोगों को समझ में आ रहे हैं, लोगों को नज़र आ रहे हैं. तो ये था कंप्लीट डिस्कशन पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एपोमिक्सस के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ ही ये यूनिट कवर हो जाएगी, और उसके बाद पॉली एम्ब्रियो जो पॉलिनोलॉजी वाला यूनिट है उसको भी हम फटाफट खत्म करके आपके सिलेबस को कवर अप करने का कोशिश करेंगे. तब तक यहाँ तक वीडियो आप लोगों ने देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिविजन करते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट thing, be happy in your life, all the very best.